हेलो दोस्तों, उससे मेरे चैनल में आपका वेलकम। आज मैं बताऊंगा कि काइन मास्टर में व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बनाएं। तो मैं पहले गाना ले लेता हूं। काइन मास्टर खोलने के बाद उसमें गाना ले लेता हूं, साउंड ले लेता हूं। साउंड में मैं इसमें बीट लगा लेता हूं। बीट लगाने के लिए आप इसमें जो रेड कलर का दिख रहा है ऊपर जा रहा है, जो रनिंग का नंबर या टाइमिंग हो सकता है, उस टाइमिंग पर आपने क्लिक करना है तो आपका पर्पल कलर का हो जाएगा, तो उससे आप बिट लगा सकते हैं। तो उसमें टेक्स्ट भी कैसे लगाते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ, मैंने लिरिक्स बना रहा हूँ गाने का लिरिक्स बना के आपको बता रहा हूँ गाने का लिरिक्स कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे बैकग्राउंड देते हैं, उसमें कैसे आपको कलरफुल आता है। तो पहले लिरिक्स बना लेता हूँ। तो मैंने गाना ले लिया, तो मैं गाना प्ले नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत प्ले कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं टाइप कर लिया है। तब मैं इसमें थोड़ा सा बीट मिला लेता हूँ, मैंने कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो थोड़ा सा मिला, देखिए यहाँ पे मैं पर्पल तक मेरे को मिलाना है पहला लाइन, देखिए मिल गया। इसके बाद मैं पर्पल पे जाऊँगा, फिर न्यू टेक्स्ट पे जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद टी लिखा है, टी पे क्लिक करूँगा और वहाँ से मैं फिर से टेक्स्ट लिखूँगा नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन लिखा दिया, नेक्स्ट लाइन भी मैं वही पर्पल तक मैंने जो मार्किंग लगाया। तो इससे मैं क्या होता है कि जल्दी जल्दी होता है, बार बार मेरे को सुनना नहीं पड़ता। तो मैं फिर भी टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, पहले वाले को। फंट में जाता हूँ, उसका फंट मैं थोड़ा अलग रखता हूँ। आप फंट डाउनलोड कर सकते हैं काइन मास्टर में, मिल जाएगा आपको। सेकंड टेक्स्ट को अभी मैं फंट चेंज कर लेता हूँ। फंट चेंज करने के लिए आपको पता ही है, आपके कंट्रोल पैनल पे ए एक कैपिटल ए और स्मॉलर ए लिखा है, उस पर क्लिक करने से आपको फंट वहीं से मिलेगा। और हम इसका कलर चेंज करेंगे, इसको मैं ग्रीन कलर में रखूँगा, ग्रीन कलर में, क्योंकि मैं इस जो लिरिक्स हैं इसको मैं क्रोमा करूँगा। क्रोमा आपको धीरे से पता चलेगा कि क्रोमा किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद मैं इस पर इसका भी फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। इसे इन एनिमेशन देता हूँ, इन एनिमेशन में जाके इसको साइड राइट देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले को मैंने लेटर टू लेटर दिया है। सेम प्रोसेस है, आप देख लेना, आपको जहाँ समझना है आप फिर से प्ले करके देखना वीडियो, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, समझ आएगा आपको। तो ये मैंने पहला लाइन मेरा रेडी हो गया, मैं प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए बढ़िया से आ गया। अब मैं इसमें सारा फटाफट फॉरवर्ड बैक मैंने सारा लगा दिया इसमें टेक्स्ट, आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इसका मेरा एक वीडियो बन गया है। मैं छोटा सा एक एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इसे। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं फिर से काइन मास्टर खोलूँगा, फिर 9:6 का रेशियो वाला लूँगा, 9:16 का रेशियो वाला लूँगा। अब इसमें मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। पहले ब्लैक बैकग्राउंड से लेने से क्या होता है कि आप जो नेक्स्ट लेयर देंगे उसको आप क्रॉप छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो मैंने आपको दिखाया, वीडियो ये जो नीचे लगा हुआ है डिस्को बॉल, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यदि आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर लिरिक्स जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया था, जो बनाया था, उसको लेके आया हूँ। इसको इंग्लिश से फुल जूम कर दिया, नहीं तो आप साइड में बना हुआ है उस पर आप क्लिक करके जूम कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहीं पर आपका मेन काम है कलरफुल कैसे हो। तो इसको मैंने लगा दिया, लगाने के बाद मैं गाने पे क्लिक करूँगा, क्रोमा की पे जाऊँगा, अनेबल कर दूँगा। ये देखिए, ये आपका गाना हो गया रेडी, वो भी कलरफुल, देखिए। इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इसका फिर मैं क्रिएट न्यू फाइल, फिर से नया बोलते हैं।
एंड मस्टर, फिर 9:16 का रेशियो वाला फिर सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं फ़ोटो लेता हूँ, पहले ब्लैक बैकग्राउंड लेना पड़ता है, ले लिया मैंने उसको। मैं 29 सेकंड जितना लंबा मेरा गाना लिरिक्स है ना उतना लंबा इसको खींच देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ लेयर में, लेयर में जाने के बाद फिर मैं वो फ़ोटो लेके आता हूँ जो मेरे को फ़ोटो उसको चाहिए। मैं फ़ोटो लेके आ गया, इस फ़ोटो को मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा है, मेरे को 9:16 के रेशियो में चाहिए, तो इसको फुल मैं 29 सेकंड तक खींच लेता हूँ। बढ़िया, इसके बाद मैं इसको फुल ज़ूम कर लेता हूँ। फुल ज़ूम करने के बाद इसको अच्छे से मिलाना चाहिए, आप आपको जहाँ पर अच्छा लगे आप वहाँ पे मिला सकते हैं। मैं इसको मिला लेता हूँ, मिलाने के बाद फिर मैं लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद मुझे, मैंने जो गाना एक्सपोर्ट किया था अभी, जो सेकेंड टाइम एक्सपोर्ट किया था, उसको लेके आऊँगा। ये ले गया, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लूँगा, इस पर राइट क्लिक, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर मैं इसमें फुल साइज ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्लिक करूँगा क्रोमा की, इसमें ब्लेंडिंग बोल के एक लाइन है, ब्लेंडिंग में जाना है। उसके बाद नीचे जाने के बाद स्क्रीन बोल के स्क्रीन, उस पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपका, अब देखिए आपका बढ़िया सा इसके ऊपर आ गया है। अब मैं फिर से जाता हूँ, वीडियो लेता हूँ, वीडियो लेयर लेता हूँ, मैंने क्या बोलते हैं इसको, लाइटिंग इफेक्ट, स्मोकी इफेक्ट या कुछ भी इफेक्ट, आपको इफेक्ट के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं इसे। तो ये आपको मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसका भी आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये वीडियो यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। इसके बाद इसको भी हम ब्लेंडिंग कर देंगे, स्क्रीन कर देंगे, ब्लेंड करके स्क्रीन में कर देंगे इसे, और इसका साइज़ बड़ा कर देंगे। साइज़ बड़ा करने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो इसको मैं थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दूँगा, ओपेसिटी अल्फा ओपेसिटी लिखा है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे मेरा फ़ोटो भी क्लियर दिखे, गाना भी क्लियर दिखे और अच्छा लगना चाहिए। ये हो गया, इसके बाद मैं एक और इफेक्ट ले रहा हूँ, जिसको लाइट इफेक्ट कहते हैं। ये भी आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में आप सर्च कीजिए, सारे मिलेंगे आपको। ये लाइट इफेक्ट ले लिया मैंने, इसको भी मैं फिर ब्लेंडिंग में जाऊँगा, स्क्रीन कर दूँगा, और ये हो गया। अब मैं गाना आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। मैं इसको 2 मिनट लाइट इफेक्ट लिया है, छोटा है मेरा, तो उसको मैं डुप्लीकेट कॉपी करके लगा देता हूँ इसको थोड़ा सा इधर। तो बीच में मैं इसको लाइट हटा रहा हूँ, वो अपने हिसाब से आप कैसे सजा सकते हैं अपने व्हाट्सअप स्टेटस को, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और लाइट इफेक्ट आप यूट्यूब में देखेंगे बहुत मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा वीडियो ख़त्म हो गया, इसको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ। फिर मैं लेयर में जाऊँगा, लेयर में हैंड राइटिंग पर क्लिक करूँगा। हैंड राइटिंग में क्लिक करने के बाद कलर मैं इसमें ब्लैक ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, ओके कर दूँगा। फिर इधर बॉक्स का है, इसको बॉक्स लेना है, स्क्वायर बॉक्स, और इसमें डॉट वाले पे दूसरे नंबर पे जो डॉट है राइट हैंड साइड से उसको लेना है, और अपने फिंगर से एक अपने बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने से क्या है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, मैंने इसको बॉर्डर बना लिया। उसके बाद आप हैंड राइटिंग में फिर से क्लिक करें, फिर इसको आप मिला सकते हैं अपने तरीके से। मैं मिला रहा हूँ, थोड़ा सा फट से नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उंगली से करना पड़ता है तो इधर उधर हो जाता है। इसको मैं मिला लेता हूँ, ओके ये मिल गया है, मैंने मिला दिया। इसको फुल लंबा कर लेता हूँ, स्टेटस में मिला देता हूँ बस। अब देखिएगा ना, सुनिएगा ना, आपका स्टेटस रेडी हो गया है। थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। आपको इस बारे में और भी कुछ जानना हो तो
कमेंट करें और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा।